बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है रिपोर्टर्स डेस्क और मैं हूं अली नियाज़ी। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुल्क भर से हम खबरें शामिल करते हैं, तरक्याती कामों का अहवाल हम लेंगे। आज सबसे पहले सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से। आप सब जानते हैं हैदराबाद एक बड़ा शहर है, सिंध का दूसरा बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, लेकिन वहाँ पर तरक्याती कामों के वादे वईद किए जाते हैं, लेकिन अभी तक सूरत हाल ये है कि तरक्याती काम शुरू ना होने से शहरी सरापाए एहतजाज हैं। ख़ास तौर पर सिवरेज के अलावा दीगर मसाइल वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को अजीरन बनाए हुए हैं। हमारे साथ होंगे अदील रज़ा अब्बासी, हम उनसे जानेंगे कि इस वक्त हैदराबाद की सूरत हाल क्या है और क्या वजह है कि वहाँ पर तरक्याती काम शुरू नहीं किए गए हैं। अदील रज़ा अब्बासी, क्या बताएँगे हमारे नाज़रीन को? दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद कहने को तो शहर हैदराबाद जो है दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत जो अपना जो सूबाई हुकूमत है सिंध हुकूमत जो है वो किसी ना किसी तरीके से पिछले 40 साल से सिंध पर जो है कि हुक्मरानी कर रही है, लेकिन शहर हैदराबाद को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। और इस वक्त भी हम मौजूद हैं शहर हैदराबाद में, बहुत ही ज़्यादा गुंजान आबाद इलाके यानी कि फरीदाबाद, लियाकत कॉलोनी से मुलाका इलाकों में इस वक्त मौजूद हैं। और हमारे साथ जो है मकामी अवामी एम पी एम कह सकते हैं इनको, कि नासिर हुसैन कुरैशी साहब हैं। अवामी एम पी एम ने इसलिए कहा कि ये हर जगह मौजूद तो होते हैं, जो भी किसी भी किस्म के मसले मसाइल होते हैं इस इलाके के, तो ये हर जगह ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं, लेकिन क्या वजह है कि आखिर को यहाँ पर जो है तरक्याती काम जिस तरह से होने चाहिए वो नहीं हो रहे? नासिर साहब, आप बताएंगे कि तरक्याती काम जिस उस रफ्तार से होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। आप ग्राउंड पर तो मौजूद रहते हैं, आप हर जगह नजर आते हैं, लेकिन क्या आखिर को क्या वजह है कि जिस किस्म से काम होने चाहिए उस हिसाब से हो नहीं रहे हैं आपके हल्के में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि जो काम होना चाहिए वो यकीनन होना ही चाहिए, लेकिन सिंध गवर्नमेंट पिछले 11 साल से सुतेली माँ वाला सलूक करती जा रही है, एम क्यू एम पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि महाजिर, जहाँ तक ये उर्दू बोलने वाले जितने भी शहरी हैं, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, टंडो आदम, टंडो अलाया, टंडो जाम, इस तरफ के तमाम तरक्याती काम और पैकेजेस रोके हुए, जो पिछली हुकूमत के दौरान, जो मुशर्रफ के दौरान या हमारे डिस्ट्रिक्ट नाजिम थे कंवर नवीद भाई, जो उस टाइम का काम हुआ हुआ उसके बाद अभी तक सिंध के और फरीदाबाद और हैदराबाद और कराची में कोई तरक्याती डेवलपमेंट काम नहीं हुआ, चाहे वो सेवरेज का हो, रोड का हो या दीगर मसले मसाइल हो, कोई भी अभी तक सुतेली माँ वाला सलूक सिंध हुकूमत, ये पीपल्स पार्टी अपनी जो तासुब की नज़र रखती है वो आज तक एम क्यू एम को उसी तासुब की नज़र से रखा जा रहा है, एम क्यू एम पाकिस्तान को। हम जो एफर्ट्स अपने होते हैं हम वो कर रहे हैं, हमारे चेयरमैन, एम पी, एम एन ए, सब हम काम कर रहे हैं। अच्छा, ये आप ये बताएं ना सर कि आप इस इलाके के एम पी हैं, तो कुछ ना कुछ तो फंड जो है कि एम पी ए फंड वगैरह आप लोगों को मिलता होगा, कुछ ना कुछ तो तरक्याती फंड आप लोगों को मिलता होगा, क्या पीपल्स पार्टी या मौजूदा हुकूमत जो आप लोगों को इस किस्म का कोई भी फंड नहीं दे रही है? पीपल्स पार्टी पहले किसी टाइम पर एम पी एस का फ़ंड हुआ करता था, लेकिन पिछले 11 साल से कोई एम पी एस का फ़ंड नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर डी सी और इनके थ्रू काम करवा रहे हैं, लेकिन डी सी के पास जाते हैं तो अगर वो हमारे को यकीन दहानी करवाते हैं तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यहाँ पर मुसलसल सिंध हुकूमत हमारे साथ नज़रअंदाज और नज़रअंदाज करती जा रही है, बिलखसूस फरीदाबाद और हैदराबाद को। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये आपसे पूछना चाहूँगा कि इस इलाके के अंदर सबसे बड़ा जो है, अब्बासी आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, रावलपिंडी में चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल तकरीर से खिताब कर रहे हैं, आपको वहीं ले चलते हैं। फिर सकता कि ये 70 साल पुराना मर्ज है, इसमें हम सबको मिलके काम करना है, जब तक हम सब मिलके काम नहीं करेंगे उस वक्त तक करप्शन का खात्मा नहीं हो सकेगा। और इसका आसान तरीन इलाज वो ये है कि हम सब मिलकर अपनी खुद एहतसाबी करें, अपने अपने गरिमान में झांकें, अपने आप पे नजर डालें, हमें दूसरों की आंख में शहतीर तलाश करने की बजाय पहले अपनी आंखों के अंदर झांकना होगा कि उसमें तो कुछ नहीं है, ऐसी बात कुछ ऐसी खराबी तो नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर हम खुद एहतसाबी के इस अमल से अपने आप को गुजार लें, ये आज पुख्ता इरादा कर लें कि हमने खुद एहतसाबी को अपनाना है, और तो आप यकीन करें कि रफ्ता रफ्ता इस करप्शन का खात्मा होगा और ज़रूर खात्मा होगा। तो मैं आपके सामने ये गुजारिश करता हूँ कि खुद एहतसाबी की जानिब हमारा पहला कदम ज़रूर बढ़ना चाहिए। नैब इससे आगाह है कि अगर आप खुद
शीशे के घर में रहते हो तो आप दूसरों पर संगबारी नहीं कर सकते। इसलिए हमारी पहली कोशिश ये थी कि हम अपने घर को ठीक करें। मैंने बैसीएफ चेयरमैन नैब हर वो कदम उठाया कि जो नैब की बेहतरी के लिए था, इदारे की बेहतरी के लिए था। हम मुल्क से बेहतरीन लोगों का हमने इंतखाब किया। हमारे ये डायरेक्टर जनरल नैब तशरीफ फरमा है, डॉक्टर नजीफ, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेटर, ये मुल्क के बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर हैं। तकरीबन 25-30 साल से ज़्यादा इनका तजर्बा है, इनकी खिदमात हमने हाल ही में ली हैं। और एक बात ये तय थी कि नैब में किसी किस्म की सिफारिश नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मेरिट की रिकग्निशन होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर सिर्फ और सिर्फ मेरिट की रिकग्निशन भी आज से शुरू हो जाए और हर इदारे में शुरू हो जाए, सिफारिश और अकरबा परवरी को आप नज़रअंदाज करें तो आप देखेंगे कि मुल्क कितनी जल्दी तरक्की करेगा। और इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा कायम उद्दायम रहने के लिए बना है। पाकिस्तान कायम उद्दायम रहेगा। ज़िंदगी में नशेब फराज आते हैं, कभी दिन बड़े होते हैं, कभी रातें बड़ी होती हैं, कभी अंधेरा होता है, कभी उजाला होता है, लेकिन बादलों के पीछे भी सूरज पूरी आबोताब के साथ मौजूद होता है। और जब बादल बरस जाते हैं तो फिर आप देखते हैं कि समा भी खूबसूरत हो जाता है, हर तरफ धूप नज़र आती है। और मैं चाहता हूं कि हमारे मुल्क में उजालों ऐसे उजाले आए कि जिसमें तरक्की तरक्की और मुल्क की तरक्की। नैब ने मतलब कई मरतबा एज चेयरमैन मैंने इस बात की वजाहत की और मैं आज दोबारा भी इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि नैब की एफिलिएशन किसी के साथ नहीं है, हमारी वफादारी किसी के साथ नहीं है। अगर हमारी वफादारी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के साथ है। जब आपकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के साथ हो तो आपको इसकी कुछ न कुछ कीमत अदा करनी पड़ती है। हम वो कीमत अदा कर रहे हैं, लेकिन हमने ये साबित ज़रूर किया है। अगर आप तसव की अनक उतार के देखें तो जितनी अकाउंटेबिलिटी इस दौर में हुई है, जितनी इंसदाद बदरनवानी के स्टेप इस दौर में उठाए गए हैं, इससे पहले शायद 70 साल में ऐसा नहीं हुआ। आप ये ख्याल ना करें कि जावेद इकबाल को अपनी तशहीर मकसूद है या मुझे अपनी तारीफ मकसूद है। मैं परवरदिगार के फजल करम से मैं मुल्क के तमाम बड़े ओहदों पर फायज रहा और इस वक्त जो मैं नैब के चेयरमैन के तौर पे काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ वो कर्ज अदा कर रहा हूँ जो मुल्क का है और हर पाकिस्तानी पर है। हमने उस कर्ज को अदा करना है। देखिए, अगर पाकिस्तान ना होता तो क्या होता? मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसी अदालत में हेड क्लर्क होता या जूनियर क्लर्क होता या सीनियर क्लर्क होता। हमारी इज्जत, हमारा तशख्स, हर चीज़ पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान से वाबस्ता है। पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं था कि हम भी पाकिस्तान को कुछ दे दें, हम भी इसको संवारें, हम भी इसकी बेहतरी के लिए स्टेप उठाएं? तो ये सोचकर हमने कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी की तरफ हमारा ख्याल था कि हम उनको एस्टेब्लिश करें। इसलिए कि जो जज्बा जवानी में होता है, जो जोश जवानी में होता है, जो स्टेमिना जवानी में होता है, जो जद्दोजहद और मेहनत की लगन जवानी में होती है, वो शायद मेरी उम्र में नहीं होती। वो अभी भी मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं मेहनत करूँ, लेकिन ये सोसाइटीज जिस वक्त पाकिस्तान की तहसील लेवल पे मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मौजूद हैं और डिविजनल लेवल पे मौजूद हैं, हमको बहुत ज़्यादा माली तौर पर इनकी मदद नहीं कर सके या वो तावन नहीं कर सके जो माली तौर पे हमें इन सोसाइटीज़ के साथ करना चाहिए था। क्योंकि माली तौर पर हमारी अपनी हालत तो खैर जो है सो है, इस वक्त दहशियत के मजबूर मुल्क की हालत माली तौर पर बहुत बेहतर नहीं है। वो हम बेहतरी की तरफ गामजन हैं और इंशाल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा जबकि हम एक तरक्की पजीर बल्कि एक तरक्की याफ्ता कौम होंगे और हम लोगों के आगे दामन नहीं फैलाएंगे, लोग कशकोल लेकर पाकिस्तान में आएंगे कि जी हमें कर्ज की ज़रूरत है, आप लोग हमारी मदद करें।
सबसे जो अहम बात है आजकल जो एक नई बात चल रही है, ये खूबसूरत ख्वाब है। इंसान को ख्वाब देखने का हक क्या है, आप ख्वाब देख सकते हैं, आपके अपने अरमान होते हैं, लेकिन ख्वाब पूरे सिर्फ उस वक्त होते हैं जब उन ख्वाबों की ताबीर के लिए आप जद्दोजहद करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप कोशिश करते हैं। ख्वाबों की ताबीर घर बैठे नहीं मिलती, इसके लिए आपको काम और सच्चाई के साथ, लगन के साथ, दिल लगा के मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जाके कहीं आपको अपने ख्वाबों की ताबीर मिलती है। रियासत मदीना ये वही ख्वाब है जो हम आज देख रहे हैं, इसकी ताबीर नामुमकिनात में से नहीं है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि सबसे पहले तो आपको अपने आप को ठीक करना है, फिर आपको अपने घर को ठीक करना है, फिर आपको गिर्द नवा को ठीक करना है। आप यकीन करें कि अगर आप मेहनत से काम करें, आप सच्चाई के साथ काम करें, तो ये काम कोई मुश्किल नहीं है। रियासत मदीना आज भी वजूद पजीर हो सकती है, आज भी पाकिस्तान रियासत मदीना की शक्ल इख्तियार कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमें अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे रखना है। अगर हम ये सोचें कि जी नहीं, हम अपने मफादात को तरजीह देंगे, तो फिर रियासत मदीना कैसे बनेगी? रियासत मदीना तो वो रियासत थी जिसमें अजमी को अरबी पर और अरबी को अजमी पर, काले को गोरे पर और गोरे को काले पर किसी किस्म की कोई बरतरी हासिल नहीं थी। बरतरी थी तो अपनी मेहनत की बुनियाद पर थी और तकवा की बुनियाद पर थी, और तकवा को जज करना या तकवा को असेस करना ये सिर्फ परवरदिगार का इख्तियार है, ये किसी बंदे का इख्तियार नहीं है। लेकिन अगर हम सख्त मेहनत करें, जद्दोजहद करें, तो मदीना की रियासत का ख्वाब आज भी पूरा हो सकता है। लेकिन इसके लिए बुनियादी बात कानून की हुक्मरानी है, और जब आदमी कानून की हुक्मरानी के लिए स्टेप उठाता है तो उसको कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये तल्ख हकीकत है, लेकिन हकीकत ज़रूर है कि मंजिलें सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती हैं जो नशे व खराश से भी गुजरते हैं, जो मुश्किलात का सामना करते हैं, जो ज़िंदगी के हकायक और मारूजी हालात को देखते हैं, लेकिन उनके हौसले में, उनकी बहादुरी में, काम की लगन में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आती। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो रियासत मदीना का ख्वाब है, हम सब मिलजुल कर कोशिश करें। ये सिर्फ हुकूमत के बस में नहीं है कि हुकूमत इस ख्वाब की ताबीर, जब तक हम सब मिलकर कोशिश नहीं करेंगे इस ख्वाब की ताबीर मुमकिन नहीं। और इस ख्वाब की ताबीर के लिए बुनियादी बात कानून की हुक्मरानी है, और कानून की हुक्मरानी के लिए बुनियादी बात कानून का निफाज है। पाकिस्तान में कानून की कोई कमी नहीं, ढेरों कानून मौजूद हैं, लेकिन बात उनकी इम्प्लीमेंटेशन की है कि उनका किस हद तक निफाज है। अगर उनका निफाज सिर्फ आप स्टेटस को देख के करेंगे या ये देख के करेंगे कि मेरे सामने कौन है, तो फिर ये कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, बल्कि ये आप बर्बादी की तरफ बढ़ रहे होंगे। और नैब ने ये फैसला किया था कि हम कभी किसी फेस को नहीं देखेंगे, हम अगर देखेंगे तो सिर्फ केस को देखेंगे, केस बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो भी ठीक है। नैब एक इंसान दोस्त इदारा है, नैब ऐसा इदारा नहीं है कि वो माएँ अपने बच्चों को उसका नाम लेके जाएँ कि नैब आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। नैब ने हमेशा इंसान दोस्ती का सबूत दिया, हमेशा लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा, आइंदा भी लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाएगा। क्योंकि एक बात जो यकीन आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं, आप माशाल्लाह सब खुद भी जवान हैं, आपका नॉलेज भी जवान है, कि इबादत से आपको जन्नत ज़रूर मिलती है लोगों, लेकिन लोगों की खिदमत से आपको रब की ज़ात मिलती है। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हम लोगों की खिदमत करें और हम रब की ज़ात को अपना अपनी मंजिल बनाएं, कि हमने ज़ात को तलाश करना है और हमने इस ज़ात को ढूंढना है। एक दफ़ा मौलाना सादी मस्जिद से निकल रहे थे तो लोगों ने, किसी ने उनके हाथ को चूमा, किसी ने उनको गले लगाया, उनका पुरतपाक तौर पे उनके साथ लोगों का मिलना था। तो एक बंदे ने उनसे पूछा कि आप भी नमाज पढ़ के आए हैं, मैं भी नमाज पढ़ के आया हूँ, तो ये क्या वजह है कि आपकी इतनी इज्जत अफजाई है, आपका दर्जा रब के नज़दीक भी बहुत बुलंद है, इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने कहा इसकी सिर्फ एक वजह है, मैं सिर्फ माथा नहीं टेकता, मैं बंदों की खिदमत भी करता हूँ। तो इसलिए जिस हद तक हमारे बस में हो, हमें चाहिए कि हम जिसकी खिदमत कर सकें,
लोगों की खिदमत कर सकें, लोगों की खिदमत करें। और जहाँ तक तालबात का सवाल है, बुनियादी बात तो यह है कि वालदैन और असातिज़ा कराम ये वो मताए हयात हैं जो आपको बार बार नहीं मिलती। जब तक ये आपके पास हैं, आप इनकी इतनी खिदमत करें, आप यकीन करें आप जितने बाटक होंगे आप तरक्की की उतनी मराजी तय करेंगे और आप तरक्की की क्या कशाओं को छू लेंगे अगर आप अपने वालदैन की खिदमत करेंगे और असातिज़ा कराम की खिदमत करेंगे। हमारे असातिज़ा और हमारी तालबात, हमारे तलबा इसलिए नहीं है कि वो सड़कों पर बैठ के धरना दें, उन्होंने अपना मुस्तकबिल बनाना है, उनके मुस्तकबिल में मुल्क का मुस्तकबिल पोशीदा। लिहाजा मैं अरबाब इख्तियार से मेरी गुजारिश है और जब मौका मिलता है मैं उनसे गुजारिश ज़रूर करता हूँ कि हमें अपनी जामियात के, अपनी तलबा के, अपने तालबात के मसाइल उनकी दहलीज पर जाके हल करनी है, बजाय इसके कि वो आके धरना दें। अब धरने का रिवाज तो वैसे कामन हो चुका है, लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि धरने का कोई जवाब नहीं। और आप यकीन करें कि आपके जो मुतालबात जब भी कभी हुए आपके कहे बगैर भी नैब ने हमेशा कोशिश की कि आपका साथ दे सके, वो कि वो बिहाइंड द कर्टन है लेकिन आपका साथ दिया ज़रूर जाता है। आप हायर एजुकेशन कमीशन के साथ हमने एक MOU साइन किया हुआ है जो कि इस बारे में है कि करप्शन के खात्मे के लिए कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी जो हम बना रहे हैं तो हायर एजुकेशन के सिलसिले में हमारी पूरी मदद करेगा। क्योंकि बात यह है कि इंसाफ करना सिर्फ मुनसिफ का काम नहीं है, सिर्फ जज का काम नहीं है, आप में से हर शख्स, हर तालिब इल्म, हर तालबा अपनी जगह मुनसिफ है, अपने घर वालों के लिए, महलों के, अपने महलेदारों के लिए, अजीज़ और रिश्तेदारों के लिए। और जहाँ तक अदल और इंसाफ का तल्लक है, सूरत अन्नहल, अलहिजरात, अन्निसा, कुरान करीम को अगर उठा के देखें, आप उसकी तफसीर को उठा के देखें, तो सिर्फ अगर एक माशरे में अदल हो तो आप यकीन करें कि वो माशरा तरक्की की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच सकता है। और उस सतह पर पहुँचने के लिए हमें मेहनत की ज़रूरत है, हमें मज़ीद मेहनत करनी है। आपने अपने वालदैन का एहतराम करना है, असातिज़ा कराम का एहतराम करना है। और आप लोग बड़े खुश नसीब हैं कि आपको इतने काबिल असातिज़ा मिले। जब मैं आपकी उम्र का था तो टाट के स्कूल थे और मास्टर साहब के हाथ में इतना बड़ा डंडा होता था कि जब आदमी सबक याद करके आता था तो सबक भी वहाँ भूल जाता था कि ये डंडा किस वक्त हमारी तरफ आ जाएगा। आपको ज़िंदगी में हर सहूलत दी है, आप इस सहूलत से फ़ायदा उठाएँ और देखें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये इरशाद फरमाया, उन्होंने इस बात को तरजीह दी कि उन्हें पैगम्बर की बजाय मुअल्लिम समझा जाए। असातिज़ा इकराम की इससे ज़्यादा बड़ी इज्जत क्या हो सकती है या उनका इससे ज़्यादा बड़ा मकाम क्या हो सकता है। तो आपने जो कुछ मैं कहना चाहता था वो मैं लिखा, आपने बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनी, मैं आपका बहुत ममनून हूँ। वाइस चांसलर साहिबा का भी मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया कि मैं आपसे खिताब कर सकूं। लेकिन मैं आपसे ये वादा ज़रूर लूँगा कि इस लम्हे के बाद जिससे जितनी कोशिश होगी अपनी खुद एहतसाबी के लिए और करप्शन के खात्मे के लिए जिस हद तक मुमकिन हो आप वो कोशिश ज़रूर करें ताकि लैब को कामयाबी हो, मुल्क को कामयाबी हो, पाकिस्तान को कामयाबी हो और आपका मुस्तकबिल महफूज हो। ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क की तमाम दौलत, मुल्क की तमाम सहूलियात सिर्फ और सिर्फ उनसे इस्तिफादा चंद खानदान करें। ना ऐसा मुमकिन है, ना ऐसा मुमकिन होने दिया जाएगा, बल्कि हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि मुल्क की वो दौलत जो चंद लोगों ने लूटी, जिसकी वजह से हम आज हमारी मईशत बर्बादी का शिकार है, कि वो वापस लाई जाए। और इस सिलसिले में मैं सिर्फ इतना करूँ कि जब से नया वजूद में आया 328 बिलियन की रकम, ये मिलियन नहीं है, ये बिलियन है, जो जिसका मतलब खरब है, 328 बिलियन रिकवर हुए हैं। कुछ लोग जब शाम को नैब पर तनकीद करते हैं तो अच्छा भी लगता है, तनकीद बहुत खूबसूरत चीज़ भी है, लेकिन मज़ीद खूबसूरत हो जाती है, मज़ीद हसीन हो जाती है कि अगर ये तामीरी हो। आप बताएं कि नैब क्या नहीं, बिल्कुल आप पाकिस्तानी टीम ने दो मिसबाह उनके जाने के बाद बैटिंग लाइन दो दी
और वहाब और आमर के टेस्ट नहीं थे और कमजोर भी है, तो आप क्या एज ए कैप्टन समझेंगे कि इनको रिकॉल करना चाहिए दोनों को, तो आप रियाज को आमर को भी शायद आपके पास होगी। देखिए वो तो जारी बात एक चीज़, उन्होंने अपने आप को अवेलेबल ही नहीं किया रेड बॉल क्रिकेट के लिए, तो वो तो मैं इस बारे में इस टाइम पे इस पोजीशन में नहीं हूँ इस बात करने में, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि नया हमारा फ्रेश बॉलिंग अटैक है, लेकिन देखें प्रॉमिस तो शो लग रहा है। नसीम शाह ने जिस तरीके से पहले टेस्ट में बॉलिंग की नज़र आ रहा था कि ही हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर, इसी तरह शाहीन शाह ने जिस तरीके से इम्प्रूव किया, अगर आप उसकी टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका की बॉलिंग देखें और ऑस्ट्रेलिया में, आपको काफ़ी कंसिस्टेंसी नज़र आएगी। उसके ऊपर काम भी हुआ, पीछे इंजर्ड था उसके ऊपर उसने अपनी फिटनेस पे भी काम किया और साथ साथ अपनी बॉलिंग जो है वो काफ़ी उसकी कंसिस्टेंट नज़र आई है। तो आई थिंक ये ऑब्वियसली जब आप देखते हैं विकेट कॉलम देखते हैं तो इतना नहीं है, हमने उनको उनको आउट नहीं किया, लेकिन आई थिंक स्टिल बॉलर बॉलिंग के अंदर इतनी प्रॉमिस ज़रूर है कि इन नियर फ्यूचर इंशाल्लाह दे विल बी मच बेटर। और जहाँ तक बात रही मेरी फॉर्म की, यस ऐसा नहीं है कि मेरे बैट पे बॉल नहीं लग रहा, ऐसा नहीं है कि मैं क्रीज पे जब होता हूँ तो मतलब कि समझ नहीं आ रही है, कोई फुटवर्क नहीं चल रहा। अनफॉर्चुनेटली ये ज़रूर है कि मुझे भी पता है कि रन की मुझे ज़रूरत है, और तमाम प्लेयर चाहे कैप्टन हो चाहे कोई भी प्लेयर हो इस लेवल पे आपको पता है कि कोई भी बगैर परफॉर्मेंस के नहीं खेल सकता, तो मुझे इस चीज़ की पूरी यू नो रियलाइजेशन है कि मुझे स्कोर करना है, लेकिन आई एम वर्किंग हार्ड, अच्छा फील कर रहा हूँ नेट्स में, अच्छा फील कर रहा हूँ जब मैच में खेल रहा हूँ तो उसमें भी अच्छा फील कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली रन नहीं हो रहे, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मेरे रन खुलेंगे तो इंशाल्लाह फिर इकट्ठे आएंगे इंशाल्लाह। बाकी अगर ठीक है, पाकिस्तान 1995 से लेकर अब तक ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई टेस्ट मैच नहीं जीता, हार जीत होती रहती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तनकीद हुई आप पे वकार पे और मिसबा पे वो ये थे कि आपके फैसले थे, आप और शान मसूद एक पूरा सेशन बहुत अच्छा खेल गए, अगला टेस्ट आया आपको खुद ओपनिंग छोड़ दी और इमाम अलहक को खिला दिया हालांकि आबिद भी साथ था, इस तरह के फैसले। फिर दूसरा जब बॉर्डर 6 के अगर स्कोर कर रहा था तो इफ्तिखार से बॉलिंग करवाना, इस तरह के डिसीजन से कमजोर कैप्टन दिखाई दिया, आपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था कि मैं 3 साल बाद कप्तानी में वापस आया तो आपको बेहतर नजर नजर आएगा, तो दिखाई नहीं दिया। देखिए जब डेविड वार्नर 6 की एवरेज से ऑलरेडी खेल रहा है और मेन बॉलर्स को खेल रहा है तो आपने कुछ तो चेंज करना ना, आपने किसी तरीके से आपने पेस ऑफ करनी है बॉल से या कोई डिफरेंट एंगल से बॉल करवाना है, तो आपने कोशिश करनी है कि किस तरीके से वो गलती करे वो आउट हो। जब एक बॉलिंग हम कराते रहेंगे और दूसरा जो फास्ट बॉलर्स होते हैं वो कितनी देर तक बॉलिंग करेंगे, उनको अगर विकेट्स नहीं मिलेंगी तो इन दी एंड आपको अपने पार्ट टाइम बॉलर्स को लाना पड़ेगा। आपने ऑस्ट्रेलिया को भी देखा कि 60 ओवर के बाद या 55 ओवर के बाद उनके भी नॉन रेगुलर बॉलर आते थे और वो अहेड होते थे गेम के, हम तो उनकी एक विकेट गिरी होती थी और एक विकेट गिरी होने के बाद अगर आप देखें अगर 15 ओवर फास्ट बॉलर्स ने कर लिया तो कहीं तो आपको अपने उन बॉलर्स को यूज़ करना ना, आप ये तो नहीं हो सकता कि आप शाहीन शाह को नसीम शाह को कराई जाएँ। तो आई थिंक जब मेन बॉलर्स समटाइम नहीं काम करते आपको अपने जो ऑलराउंडर्स होते हैं पार्ट टाइमर्स होते हैं लगाना पड़ता है, और वो लेफ्ट हैंडर है इफ्तिखार ऑफ स्पिनर, आप समटाइम ट्राई करते हैं कि आज यासिर शाह से आउट नहीं हो रहा तो उससे ट्राई करें, तो 6 के रन से 5.5 के रन से जब टेस्ट मैचेस में स्कोर हो रहे होते हैं तो यार जितने मर्जी आप अग्रेसिव कैप्टन हो आपको थोड़ा सा बैकफुट पे आना पड़ता है, विकेट का वेट करना पड़ता है, वरना तो ऑब्वियसली इसीलिए तो कहते हैं जब पार्टनरशिप लगी होती है तो फिर आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं, तो समटाइम यहाँ से देख के चीज़ें लगती हैं कि बड़ी आसानी से हम स्कोर करवा रहे हैं, लेकिन उसमें हर चीज़ ट्राई की जाती है, लेकिन एक बंदा अगर 300 बनाता है या 150 बनाता है तो ऑब्वियसली वो आउट क्लास करता है दूसरी साइड को। ऑब्वियसली देखें जो हमने बेस्ट कम्बिनेशन पहले मैच में सोचा था कि जो मैं ओपन पे आऊँ और हमारे जो मेन प्लेयर मिडल ऑर्डर है वो परफॉर्मेंस देता आ रहा था, अनफॉर्चुनेटली हारिस जो था वो स्ट्रगल कर रहा था जिसकी वजह से फिर हमने सोचा कि शायद जो है उसकी फॉर्म इन सेंस कि वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था तो उसको इस वजह से हमने चेंज किया और मैं नंबर 3 पे दोबारा आया, जारी बात है फिर हमने ओपनर खिलाना था
तो आपने देखा होगा कि मैं अक्सर ओपन पे होता हूँ या नंबर तीन पे होता हूँ, तो मेरे लिए इतना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली जो प्लेयर दूसरा आ रहा है उसको मैं अगर चेंज करूँ तो आई थिंक मैं ये ज़्यादा समझता हूँ कि मैं अपने आप को उस चैलेंज में डालूँ बजाय के दूसरे को डालूँ। पहले मैं अपने फिटनेस के हवाले से बात कर लूँगा। देखें, नी इंजरीज जो होती हैं वो आजकल अगर आप देखें तो तकरीबन हर टीम में दो से तीन प्लेयर हैं जिनको नी प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि जब से मुझे नी प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद से मेरी फॉर्म उस तरह नहीं रही, लेकिन इट्स नॉट सिर्फ उसकी वजह से तो नहीं आप कह सकते कि मैं यहाँ तमाम फिटनेस टेस्ट पास करता हूँ, तमाम ट्रेनिंग सेशंस में हिस्सा लेता हूँ, तमाम अगर आपने बैटिंग देखी हो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा मैं खेल रहा होता हूँ, उसी तरह स्प्रिंट्स लगा रहा होता हूँ, फील्डिंग में भी इसी तरह कर, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मतलब कि अगर मुझे कोई इंजरी हो गई है तो सारे ये प्रसेप्शन कर लेंगे जी इंजरी की वजह से अदर स्कोर नहीं कर रहा। आई थिंक समटाइम आपकी फॉर्म ऐसी फॉर्म क्या कहते हैं समटाइम लक होती है समटाइम फॉर्म होती है, तो वो जरूरी नहीं कि रन नहीं हुए तो वो सारा नी प्रॉब्लम की वजह से इशू है। आई थिंक कई प्लेयर्स की नी सर्जरीज होती हैं वो स्टिल खेल रहे होते हैं, तो अगर फिटनेस का कोई इशू होगा तो ऑब्वियसली पीसीबी का मेडिकल स्टाफ है वो पहले ही बता देगा कि ये फिट नहीं है। दूसरा जो आपने सवाल किया, आई थिंक माजिद भट्टी साहब ने ये बात शायद की है कि मैं इंग्लैंड सेटल होने जा रहा हूँ। आई थिंक इतने सीनियर जर्नलिस्ट जो होते हैं वो मैं उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करता हूँ, उनकी बड़ी सर्विसेज होती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कंफर्म कर लेना चाहिए किसी की बात सुन के टीवी पे बोल देना, और टीवी वालों को भी चाहिए कि देखें जी कोई भी अगर किसी के पर्सनल लाइफ के हवाले से कोई बात कर रहा है तो वो अथेंटिक बात होनी चाहिए। ईजीली ये बैठ के कहना कि जो है ये इस तरह मूव होने जा रहा है ये और अगर आपने रिसेंटली देखो कि मैं अपने जो बेटा मेरा 3 साल से इंग्लैंड में पढ़ा था उसको भी मैं पाकिस्तान ले आया हूँ, और ना कोई मेरा बिजनेस है बाहर, ना मैंने कोई स्टार्ट किया, ना कोई ऐसा सीन है, ना समरसेट से कोई कह देता है कि पता नहीं कितने करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और कितने सालों का कर लिया, मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो ख़त्म हो चुका हुआ है और अभी अगले किसी कॉन्ट्रैक्ट का मेरे नॉलेज में नहीं है। तो आई थिंक इस तरह की खबर फैलाने से पहले थोड़ा सा कंफर्म कर लें, इतना मैं भी काफ़ी देर से पाकिस्तान टीम से खेल रहा हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी, उनकी मेरे दिल में बड़ी रिस्पेक्ट है, लेकिन आई थिंक उनको कंफर्म करनी चाहिए ये बात करने से पहले। नाज़रीन, टेस्ट टीम के कप्तान अज़हर अली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है। प्रोग्राम में हम आ जाते हैं वापस और ख़बरों का सिलसिला जहां पर मुनक़ता हुआ था वहीं से उसको जोड़ेंगे। चित्राल से बात करते हैं जहां पर पाक अफगान सरहदी इलाके दोमेल में झूला पुल का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस पुल पर 72 लाख रुपये की खतिर रकम जो है वो लगाई गई है। गुल अहमद फारूकी हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। गुल अहमद, क्या बताएँगे इस हवाले से? बिल्कुल, उस वक्त मैं पाक अफगान बॉर्डर पे खड़ा हूँ अरंदू में, जहाँ पे आज एक स्कूल का और पुल का और हॉस्टल का इफ्तिताह हो गया। पाक फौज जहाँ पे मुल्क सरहदों की हिफाजत कर रही है वहाँ पे मुल्क के जो बाशिंदे हैं उनको तालीम और सेहत और दीगर जो सहूलियात हैं उनको फराहम करने भी पेश है। इस वक्त जी हमारे साथ ब्रिगेडियर मोहिद्दीन साहब जो कमांडर चतरास कोटे खड़े हैं, उनसे पूछते जी कि पाक फौज का इस इलाके की लोगों की मेयार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए सर क्या खिदमत कर रही है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरंदू चित्राल का एक इलाका है, उसी तरह जिस तरह चित्राल के बाकी इलाके हैं। यहाँ पे 3 बुनियादी मसाइल हैं लोगों के, एक रोड का मसला है, उसके अलावा बिजली का मसला है, और हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से हॉस्पिटल मौजूद है लेकिन डॉक्टर्स की कमी है। और इस सिलसिले में पाकिस्तानी फ़ौज FC
حکومت کے ساتھ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ یہ تمام جو میں نے چیزیں بتائی ہیں اس کے اوپر کوئی حل نکلے اور انشاءاللہ بہت جلد یہ تمام چیزوں کا حل ہوگا انشاءاللہ۔ سر جو علاقہ ہے یہاں پہ آپ نے پل کے افتتاح کیا آسٹل کا، تو جو غیر سرکاری ادارے ہیں لائک ایس آر ایس پی، ان کی خدمات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بھی کسی بھی جگہ کے اوپر تمام ادارے مل کے کام کرتے ہیں، وہ سرکاری ہوں یا غیر سرکاری، اور اس سلسلے میں جو تنظیمیں ہیں جس کے اندر مختلف این جی اوز بھی ہیں، اس میں ایس آر ایس پی ہے، کے آر ایس پی ہے یہاں پہ چترال میں، ان کا بھرپور کردار رہا ہے اور ان کی وجہ سے لوگوں کو بھرپور فائدہ پہنچا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ ان کا تعاون آئندہ بھی جاری رہے گا۔ سر یہ جو سرحدی علاقے ہیں یہاں کے لوگوں کے بارے میں ایک عام طور پر ایک شکایت آتی رہتی ہے کہ یہ اکثر ٹینشن پیدا ہوتا ہے، یہ ذرا مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان علاقے کے لوگوں کو ایک محب وطن پاکستانی بنانے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ سب سے اہم جو چیز ہے وہ تعلیم ہے، اور الحمدللہ چترال کے اندر تمام لوگ بچوں ان کے اندر تعلیم کا بہت شوق ہے اور یہاں پہ آ کے نہایت خوشی ہوتی ہے۔ آج یہاں جہاں موجود ہیں اس سکول کے اندر بھی بچوں سے آج ملاقات ہوئی، ان کا جو تعلیمی معیار دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے، اور یہ جب ان کو تعلیم حاصل کریں گے تو خود بخود حب الوطنی ان کے اندر شامل ہوگی انشاءاللہ۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ پروگرام مینیجر ایس آر ایس پی انجینئر گل احمد فاروقی، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے چترال سے۔ خوشاب سے بات کرتے ہیں ناظرین، خوشاب جہاں پر مہنگائی کے ستائے لوگ جو ہے وہ شدید پریشان ہیں اور موسم سرما کے گرم کپڑے سستے داموں خریدنے کے لیے انہوں نے سستے بازاروں کا رخ کیا ہے۔ خوشاب سے بات کریں گے، ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ ہیں۔ ذوالقرنین کیا بتائیں گے وہاں سے ہمارے ناظرین کو؟ اس وقت موجود ہوں خوشاب میں، جیسے موسم نے تبدیلی لی ہے تو سردیوں کے گرم کپڑے اور جوتے خریدنے کے لیے خوشاب کے شہریوں نے لنڈے بازار کا رخ کر لیا ہے، لیکن جب یہاں پہ انہوں نے رخ کیا ہے تو وہی مہنگائی، وہی رونا دھونا۔ اب یہاں بات کرتے ہیں شہریوں سے کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہیں گے مہنگائی کے حوالے سے؟ لنڈے بازار میں بھی مہنگائی ہے سر، بہت مہنگائی ہے لنڈے بازار میں، کہ پہلے سے ہم یہ جوتی لیتے تھے 250-200 روپے میں، یہ بھی سن جوتی میرے یہاں 450-500 روپے میں، یہ ہماری پہنچ سے زیادہ باہر ہو گئی ہے۔ زیادہ مہربانی فرما کر عمران خان کو کہیں کہ مہنگائی کام کر دیں۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، اس وقت مہنگائی لنڈے بازار میں بہت تیز ہے، آپ کو پہلے پتہ ہے کہ مین بازاروں میں تو نئی چیزیں غریب انسان نہیں لے سکتا، اسی لنڈے کے کپڑے جوتے سے گزارا جو کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم لنڈے کی طرف آئے ہیں، لنڈے بازار میں آئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لنڈے کے جوتے ہی ہاتھ لگاتے ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ بہت مہنگائی ہے، لنڈے کا جوتا بھی ہماری خرید اور سوچ سے باہر چلا گیا۔ جی ہم اس وقت وزیراعظم پاکستان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس مہنگائی کو ختم کریں۔ جی جی بالکل، آپ نے سنا ہے کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی اس طرح بڑھ چکی ہے کہ یہ جو لنڈے کا یہ سامان ہے اس کی بھی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں شہریوں کا وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم۔ ذوالقرنین ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور خوشاب سے وہاں کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے۔ ناظرین ظاہر پیر سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر اس وقت کشمیر کی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے کیمپ لگایا گیا ہے۔ ہمارے رپورٹر نادر حفیظ ہمارے ساتھ ہوں گے وہاں سے، ہم ان سے بات کریں گے۔ نادر حفیظ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ بالکل، اس وقت میں مرکزی چوک ظاہر پیر میں موجود ہوں جہاں پہ جماعت اسلامی کی جانب سے کشمیر عوام سے یکجہتی کے لیے کیمپ لگایا گیا ہے۔ اس کیمپ کا مقصد کشمیر مارچ میں شرکت کے لیے عوام کو آگاہی فراہم کرنا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ مرکزی رہنما جماعت اسلامی موجود ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا اس بارے میں۔ جی 6 دسمبر کو جو ہے سینیٹر سراج الحق صاحب رحیم یار خان تشریف لا رہے ہیں، اور رحیم یار خان کی تاریخ کا بہت بڑا کشمیر مارچ ہونے جا رہا ہے، اور آج اس کیمپ کا مقصد بھی یہی ہے کہ ظاہر پیر کے عوام کو جو ہے آگاہی دی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ظاہر پیر کے عوام جو ہے کشمیر مارچ میں شرکت کریں، اور کشمیر مارچ کا مقصد جو ہے کشمیر کے اس ایشو کو زندہ رکھنا ہے جو کہ اس وقت بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، میڈیا سے بھی بالکل جو ہے یہ ایشو ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، اس لیے جماعت اسلامی اس کشمیر ایشو کو زندہ رکھنا چاہتی ہے اور کشمیریوں کی آزادی تک انشاءاللہ جماعت اسلامی اس کشمیر ایشو کو لے کر کے چلتی رہے گی۔ جی جیسا کہ ان کا کہنا ہے کشمیر کی آزادی تک اور کشمیر کے ایشو کو۔ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور وہاں کی صورتحال آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے۔ ناظرین ڈیرہ غازی خان سے ہم بات کرتے ہیں، ڈیرہ غازی خان میں جہاں پر اپکا کے زیر اہتمام ہونے والے ہیلتھ سپورٹ سٹاف کے انتخابات جو ہیں وہ ہوئے ہیں، ان انتخابات کا احوال ہم جانتے ہیں عرفان مجید خٹک سے۔ عرفان کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟
ایپکا کے زیر اہتمام یہاں پر آج ہیلتھ سپورٹس سٹاف کے جو انتخابات کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ صبح پولنگ 8 بجے شروع ہوئی اور بلا بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ ووٹروں کی کثیر تعداد یہاں پر موجود ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پریزائڈنگ یہاں پر ملک حق نواز، ان سے بات کرتے ہیں، یہ آج کے پولنگ کے حوالے سے کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہیلتھ سپورٹ سٹاف ایپکا یونٹ کا الیکشن ہو رہا ہے، جس میں آواز گروپ اور فرینڈ گروپ یہ دونوں مد مقابل ہیں۔ پولنگ پرامن طریقے سے جاری ہے، ٹوٹل ان کے جو ووٹ ہیں وہ 502 ہیں، اس وقت 160-170 کے قریب ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں اور الحمدللہ پولیس کے بھی انتظامات اچھے خاصے ہیں، حالات پرامن ہیں، کوئی ایسا ایشو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، دونوں پارٹیاں ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہیں، ہمارا سٹاف بھی چاک و چوبند ہے اور اپنے کام میں مصروف ہے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ بغیر کسی ایجیٹیشن کے، بغیر کسی پرابلم کے یہ الیکشن خوش اسلوبی سے سر انجام ہو جائے۔ جی، جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے ٹھیک ہے۔ فان مجید کھٹک ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ڈیرہ غازی خان سے، اور آپ وہاں کی صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے۔ قوالیہ سے بات کرتے ہیں، جہاں پر ہم آپ کو ایک سکول کا احوال دکھاتے ہیں، جہاں پر ایک کمرہ اور لیکن وہاں پر 9 کلاسیں جو ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں، لیکن اس سکول کا کمرہ صرف ایک ہے۔ یہ حالات کیا ہیں، کیا منظر ہے وہاں پر، یہ جانیں گے۔ ملک عابد اسلم سے ہمارے ساتھ ہیں۔ عابد اسلم کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو؟ جی بالکل، ایسے پڑھے گا پنجاب تو کیسے پڑھے گا پنجاب؟ پنجاب میں اور پاکستان میں تعلیم کو عام کرنے کے گورنمنٹ کے جو نعرے ہیں وہ سارے دھرے کے دھرے رہ چکے ہیں۔ اس وقت ہم ایک ترقی آتی جو ضلع ہے، ضلع ٹوبا ٹیکسنگ اور اس کی تحصیل کمالیہ میں ہم موجود ہیں۔ تحصیل کمالیہ کے 724 کے گاؤں میں یہاں پر ایک انوکھا اسکول ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جہاں پر ایک کمرہ ہے اور 9 جماعتیں ہیں، اور اس کے اوپر آپ کو یہی بتاتے چلیں کہ 9 جماعتیں پڑھانے کے لیے صرف 7 ٹیچر یہاں پر مہیا کیے گئے ہیں، نہ ہی یہاں پر 4 دیواری ہے۔ تو یہاں پر جو بچے ہیں، امیر کے بچے اور غریب کے بچے میں یہ فرق گورنمنٹ کا آپ کے سامنے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہاں پر فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر یہاں پر 7 ٹیچر ہیں، 9 جو ہیں کلاسوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن کمرہ صرف ایک ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک طالب علم بھی موجود ہے، ان سے جانتے ہیں ان کو کیا کیا مسائل اس کو سامنے آتے ہیں۔ جی آتے ہیں، جی بتائیے۔ ہمیں یہاں بہت سے مسائل کا سامنا ہے، نہ یہاں 4 دیواری اور نہ ہی کمرے ہیں، 9 کلاسیں اور 7 اساتذہ اکرام ہیں۔ کمرے کتنے؟ ایک کمرہ ہے، اور ہمیں یہاں پر ٹھنڈ بھی لگتی ہے اور جس کی وجہ سے ہم بیمار بھی ہو جاتے ہیں، ہمارا تعلیمی نقصان بھی ہوتا ہے۔ ہماری وزیر اعظم عمران خان سے اپیل ہے کہ وہ ہمارے مسائل کو جلد از جلد مکمل کرے اور ان کی طرف توجہ دے، جو ہمیں 4 دیواری اور کمرے فراہم کیے جائیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے جانا کہ یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ نے ہمیں بتایا کہ نہ تو یہاں پر 4 دیواری ہے اور نہ ہی یہاں پر جو اساتذہ کرائم ہے ان کی تعداد پوری ہے۔ ایک کلاس روم ہے اور 9 عدد جو کلاسیں ہیں، باہر کھلے آسمان میں سردی میں، تو پوری سردی میں بیٹھنا پڑتا ہے، اور جب گرمی ہوتی تو گرمیوں میں ان کو تڑپنا پڑتا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے سامنے یہ اور وزیر اعظم پاکستان کے سامنے جو اسٹوڈینٹس اور طالب علموں کی جو ہے گزارش ہے اور اپیل ہے کہ فوری طور پر 724 گاہبے کو فوری طور پر اسکول ٹھیک ہے۔ ملک عابد اسلم ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظر بات کریں گے میاں والی سے۔ پنجاب حکومت جو کہ تعلیم کے میدان میں 1 اربوں روپے خرچ کرنے کے دعوے دار ہے، لیکن مدارس کی صورتحال ابتر نظر آ رہی ہے۔ میاں والی سے ہمارے ساتھ اکرم نیازی ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ اکرم، کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی بالکل، اس وقت میں گورنمنٹ پرائمری اسکول صاحبداد والا داؤد خیل میں موجود ہوں، تو یہ مکتب مسجد میں یہ لگا ہوا ہے، تو میرے ساتھ اس اسکول کے استاد اکرام بھی موجود ہیں، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو اس جہاں پر کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے۔ جی السلام علیکم سر، سب سے بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اسکول کی بلڈنگ موجود ہے، لیکن ہمیں مطلب اس میں الیکٹریسٹی کی فیسلٹی نہیں ہے، نہ ہی وہاں پہ پانی کی فیسلٹی ہے۔ جو ہمارا مطلب اسکول ہے وہ ایک کنال کے رقبے پر ہے، اور زمین بھی ہمیں یہاں کے مخیر حضرات نے عطیہ کی تھی، گورنمنٹ نے وہ ہمیں نہیں دی تھی۔ تو ابھی اس میں 4 دیواری بن چکی ہے اور 1-2 کمرے ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بنوائے ہیں۔ ہم انتظار میں ہیں کہ ہمیں جو ہے نا بجلی کے لیے گورنمنٹ فنڈز مہیا کرے تاکہ ہم جلد سے جلد مسجد سے
شفٹ ہوں، یہ مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، بچے نیچے فرش پہ بیٹھے ہیں، تو ہمیں کافی مسائل ہیں نماز کے ٹائم پہ، مطلب نمازی بہت اعتراض کرتے ہیں، ہمارے ساتھ فیمیل سٹاف ہیں، ان کے لیے بھی کافی مشکلات مطلب ہم فیس کر رہے ہیں، تو ان کو ہم نے مطلب پڑوسیوں کے گھر میں بٹھانا پڑتا ہے، تو گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ ہماری جو ہے نا ڈیمانڈس پوری کریں، ہمیں الیکٹریسٹی کی سہولت دیں، اس کے علاوہ ہمیں پانی کی سہولت دیں، تو یہ مسائل ہیں سر۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا کہ یہ مسجد مکتب سابق حکومت یہ ضیاء الحق دور میں یہ بنائے گئے تھے، سکولوں کی بلڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے بنے تھے یہ سکول، تو آج 2019 میں جب کہ یہ موجودہ دور ترقی یافتہ دور ہے، آج بھی یہاں پر تقریباً 150 بچے جن میں 56 بچیاں بھی شامل ہیں، تو یہاں مسجد میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں گورنمنٹ کو خاص کر عمران خان کا ٹھیک ہے۔ اکرم نیازی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ راجن پوچھ راجنا بات کرتے ہیں، جہاں ہسپتال کے ملازمین تنخواہیں نہ ملنے پر سراپائے احتجاج ہیں، عامر نواز ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم ان سے بات کریں گے۔ عامر نواز، کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو؟ میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل راجن پور میں، جہاں کنسول ملازمین جو ہیں سراپا احتجاج ہیں، انہیں 3 ماہ سے جو ہے تنخواہیں نہیں دی جا رہی۔ اس وقت ملازمین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے۔ جی بتائیے گا، کیا مسئلہ ہے کہ آپ کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی؟ سر جی 4 مہینے ہو گئے ہمیں سیلری نہیں ملی، ہم اتنا تنگ ہوئے پڑے ہیں، گھر کے کرائے دینے ہیں، اور بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں گھر کے، وہ ہمارے پورے نہیں ہو رہے ہیں، ہم کس سے مانگیں؟ یہ کر رہے ہیں، یہ ہمیں دیتے نہیں، کہاں جائیں؟ یہ ہمارے جی جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ 3 ماہ 4 ماہ سے ہمیں تنخواہیں جو ہے وہ نہیں دی جا رہی۔ یہاں پہ مزید بھی مظاہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ جی بتائیے کہ آپ کیا کہیں گے؟ سر جی اتنے مہینے تک تنخواہ نہیں ملی سکوں، بال بھوکے بیٹھے تھے گھر، کیا انہوں کو سر تنخواہ دیں دے گا نہیں آسرے دے دیں بس خالی۔ جی جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ گھروں میں جو ہے فاقوں کی نوبت آ گئی ہے، مگر ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جو ہے ہمیں ٹھیک ہے۔ عامر نواز ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور وہاں پر جو احتجاج ہو رہا ہے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین پروگرام کے آخر میں بات کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے، جہاں پر تھانہ صدر شیخوپورہ کے سب انسپکٹر ملک احسان، جن کی طبیعت ناساز ہونے پر انہیں لاہور کے میو اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن صورتحال وہاں پر ہی ہے، بتایا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے کہ پہلی ہی میڈیسن یا دوائی کھاتے ہی وہ دم توڑ گئے۔ اس پر جو ہے وہ تحقیقات کر رہے ہیں پولیس انتظامیہ کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، کیا ہوا ایک دم سے، اس حوالے سے بات کریں گے عبدالحمید چودھری سے۔ عبدالحمید، کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی ننکانہ کے نواحی گاؤں مرزا پور کے رہائشی مرک احسان سب انسپیکٹر، جو کہ شیخوپورہ صدر تھانہ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، گزشتہ رات ان کی طبیعت معمولی سی خراب ہوئی، جس کے باعث انہوں نے معمولی سی میڈیسن لی۔ میڈیسن لیتے ہی ان کی حالت جو تشویشناک ہو گئی، تشویش حالت کے پیش نظر انہیں لاہور میو اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ دم توڑ گئے۔ اب پولیس نے ان کی لاش جو اپنے قبضہ میں لے کر مقامی اسپتال سے ٹھیک ہے۔ عبدالحمید چودھری ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین ایک صورتحال تھی ننکانہ صاحب سے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پروگرام کا ہمارا وقت یہاں پر ختم ہو چکا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔